हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2019 के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, यूपीपीएससी लेक्चरर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, एंड द राइट आंसर इज अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बोल 3 मेडल्स इन T20 इंटरनेशनल, एंड द राइट आंसर इज दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा भारत की पहली क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक T20 मैच में 3 मेडल ओवर डाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई इंडिजेनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एंड द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि हमारे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने राफेल से 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाई यात्रा की। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर ऑफ 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड द राइट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट जिसके अंतर्गत वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पूरे साल ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट रन ट्रेन दैट इज स्लेटेड टू रन फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली ऑन October 4, 2019, एंड द राइट ऑप्शन आंसर इज तेजस। तेजस इंडिया की पहली कॉर्पोरेट रन ट्रेन है जो लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेटेड हिज 69th बर्थडे, एंड द राइट आंसर इज 17 सितंबर। पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन बॉलर हु हैज बिकम द थर्ड इंडियन टू क्लेम अ हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट वाइल प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, एंड द राइट आंसर इज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इंडिया के थर्ड बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली है। इससे पहले यह कारनामा हरभजन सिंह और इरफान पठान कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज बीन अवार्डेड टू, दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज एम स्टैनली विटिंगम, अकीरा योशिनो एंड जॉन बी गुड इनफ। इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया है, इन्होंने लिथियम आयन बैटरी को डेवलप किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। एंड द क्वेश्चन इज द 2019 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज बीन अवार्डेड टू, एंड द राइट आंसर इज जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर एंड डाइडियर क्वेलोज। जेम्स पीबल को डिस्कवरी इन फिजिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड माइकल मेयर और डाइडियर क्वेलोज को डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार के लिए नोबेल प्राइज मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2019 ज्वाइंटली अवार्डेड टू, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है विलियम केलिन जूनियर, सर पीटर रेडक्लिफ एंड ग्रेग सेमेंजा। इन्होंने अपनी रिसर्च से बताया कि सेल्स अपने आप को कैसे सेंस एंड अडाप्ट करते हैं ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के अनुसार। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, एंड द राइट आंसर इज 9th अक्टूबर। तो वर्ल्ड पोस्ट डे 9th अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है जो पोस्टल सर्विस की इंपॉर्टेंस शो करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एंड द राइट आंसर इज 8th अक्टूबर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर इज पार्टिसिपेटेड इन राफेल हैंडओवर सेरेमनी, एंड द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह फ्रांस में जाके राफेल हैंडओवर सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द कलर टू द आर्मी एविएशन कॉर्प्स नासिक, एंड द राइट आंसर इज रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द कलर टू द आर्मी एविएशन कॉर्प्स नासिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच लॉन्चर हैज बीन यूज्ड इन चंद्रयान 2, एंड द राइट आंसर इज GSLV MK3। GSLV MK3 लॉन्चर को चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए यूज किया गया था। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच लैंडर हैज बीन यूज्ड फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, एंड द राइट आंसर इज विक्रम। विक्रम लैंडर को लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यूज किया गया, पर इसकी लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई,
लूनर सरफेस से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका कम्युनिकेशन इसरो से टूट गया था। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, हु अप्रूव्स द चंद्रयान 2 लूनर मिशन, एंड द राइट आंसर इज मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने चंद्रयान 2 मिशन को 2008 में अप्रूव किया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्च डेट ऑफ चंद्रयान 2। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड और हमारा अगला क्वेश्चन है, अप टू व्हाट टाइम द ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट ऑफ चंद्रयान 2 विल बी ऑपरेशनल, एंड द राइट आंसर इज 7 ईयर। 7 ईयर तक चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल फंक्शनल रहेगा। पहले बताया गया था कि ऑर्बिटल सिर्फ 1 ईयर तक मून को ऑर्बिट करेगा, बट फ्यूल की मात्रा अधिक होने के कारण अब यह 7 ईयर्स तक मून की ऑर्बिट करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, एंड द राइट आंसर इज के सिवान। के सिवान इसरो के करंट चेयरमैन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस गंगा आमंत्रण अभियान, एंड द राइट आंसर इज जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने गंगा आमंत्रण अभियान को लॉन्च किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज होस्टेड द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कॉटन डे, एंड द राइट आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट एवर वर्ल्ड कॉटन डे को होस्ट किया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फंडिंग एजेंसी, ये क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये भी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, विच फंडिंग एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इको फ्रेंडली क्रैकर्स इंक्लूडिंग फ्लावर पॉट, स्पार्कलर्स, एटम बॉम्ब, पेंसिल एंड चक्कर, एंड द राइट आंसर इज CSIR नीरी। CSIR नीरी ने इको फ्रेंडली क्रैकर्स को डेवलप किया है, जिसका लॉन्च डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल हैज बीन इम्पोज्ड ऑन आर ए कॉलोनी, एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 को आर ए कॉलोनी के लोगों पर लगाया गया, क्योंकि बॉम्बे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ने मेट्रो सेट कंस्ट्रक्शन के लिए 2700 ट्री काटने का ऑर्डर दिया था, बट लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया, जिसके कारण आर ए कॉलोनी के लोगों पर आर्टिकल 144 लगाई गई। ये वो चलते हैं अब अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू रीच 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस, एंड द राइट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर पहली इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड टीचर्स डे 2019 वाज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, एंड द राइट आंसर इज 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे ग्लोबली सेलिब्रेट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पुट अ बैन ऑन फेस मास्क अंडर द इमरजेंसी लॉ। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज हांगकांग गवर्नमेंट। हांगकांग गवर्नमेंट ने फेस मास्क पर बैन लगा दिया है अंडर इमरजेंसी लॉस के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान क्रिकेट, एंड द राइट आंसर इज वैभव गहलोत। वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर स्वच्छ भारत मिशन इंडिया बिल्ट हाउ मेनी टॉयलेट्स फॉर 60 करोड़ पीपुल, एंड द राइट आंसर इज 11 करोड़। सो अंडर स्वच्छ भारत मिशन 11 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण 60 करोड़ लोगों के लिए किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड हिज मैडन टेस्ट सेंचुरी ड्यूरिंग इंडिया फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड द राइट आंसर इज मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने अपना मैडन टेस्ट सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट में 2019 में ही बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द न्यूली लॉन्च्ड वंदे भारत ट्रेन विल टेक हाउ मेनी आवर्स टू रीच कटरा फ्रॉम दिल्ली, एंड द राइट आंसर इज 8 आवर्स। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा जाने का ट्रेवल टाइम 8 घंटे का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन टोबैको एंड पान मसाला प्रोडक्ट इन द स्टेट, एंड द राइट आंसर इज राजस्थान बिहार महाराष्ट्र। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राजस्थान बिहार एंड महाराष्ट्र इन तीनों स्टेट्स ने टोबैको और पान मसाला प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया। राइट आंसर इज ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेटेड ऑन, एंड द राइट आंसर इज 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा क्वेश्चन है, हु हैज ऑनर्ड विथ इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया अवार्ड, एंड द आंसर इज कालीपुरी। मीन्स कालीपुरी को इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि वाइस चेयरपर्सन है इंडिया टुडे ग्रुप की। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एंड द राइट आंसर केरला। केरला को नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्ड लास्ट दैट इज 20 इन नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एंड द राइट आंसर इज यूपी। यूपी को नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 20वीं रैंक मिली है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैव रिसीव्ड द ऑनर टू हैव प्लैनेट नेम, एंड द राइट आंसर इज पंडित जसराज। पंडित जसराज को माइनर प्लैनेट जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में है, उसे पंडित जसराज का नाम दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन 2019 हु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन वर्ल्ड बेस्ट रेसलर इन 86 kg कैटेगरी, एंड द राइट आंसर इज दीपक पुनिया। दीपक पुनिया को वर्ल्ड बेस्ट रेसलर में 86 kg कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। इसके अलावा इनका और 3 अदर रेसलर का भी नाम है, जिसमें विनेश फोगाट, रवि कुमार एंड बजरंग पुनिया को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी क्वालिफिकेशन मिल गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन वेटरन पिन अवार्ड, एंड राइट आंसर पीटी उषा। पीटी उषा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन वेटरन पिन अवार्ड से कतार में सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान में इंडिया की प्रोग्रेस के लिए मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज इशूड हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्डन कार्ड्स अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, एंड द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर को हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्डन कार्ड इशू किए हैं अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020, एंड द राइट आंसर इज विनेश फोगाट। विनेश फोगाट इंडिया के पहले रेसलर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडिजेनस मिसाइल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। विच इंडिजेनस मिसाइल वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय DRDO फ्रॉम सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट, एंड द राइट आंसर इज अस्त्र। DRDO ने अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी गूगल सेलिब्रेटेड ऑन September 27, 2019, एंड द राइट आंसर इज 21st century। तो गूगल ने 27 सितंबर 2019 को अपनी 21st century सेलिब्रेट की। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड, एंड द राइट आंसर इज 27 सितंबर। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, PM नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द हाउडी मोदी इवेंट अलॉन्ग विद US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप इन विच सिटी, एंड द राइट आंसर इज ह्यूस्टन। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाउडी मोदी इवेंट को US के ह्यूस्टन सिटी में एड्रेस किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व एवरी ईयर ग्लोबली, एंड द राइट आंसर इज 21 सितंबर को ग्लोबली इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट आईफा अवार्ड 2019? एंड द राइट आंसर इज आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को आईफा अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलते हैं हमारे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स? एंड द राइट आंसर इज मोतीबाग। इंडियन डॉक्यूमेंट्री मोतीबाग को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के एक किसान विद्या दत्त की लाइफ के बारे में दिखाया गया है। ये तो ये रहे हमारे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। हमें आशा हुई कि ये आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाए वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।